पिछले काफ़ी लंबे समय तो पंजाब दे विच और लुधियाना कमिश्नरेट दे विच भी कुछ वारदातां हुई हैं जिदे विच एक लेडीज़ का स्नैचर गैंग है बड़ा ही अजीब मोडस ऑपरेंडी जिहड़ा अडोप्ट करके वारदातों को अंजाम दिंदा है। बुजुर्ग महिलावां नूं बाज़ारां दे विच या सुन्नी सड़क दे उत्ते या धार्मिक जगह दे उत्ते देख के वो टारगेट बनाउंदे सी ये गैंग मैंबर जिस ज़्यादातर लेडीज़ ने, और उन्हों वरगला के गड्डी बिठा लेना या जब उन्हों किसी तरीके नेड़े आके जफ्फी पा लेनी, और उस तो बाद पता लगता सी जदों थोड़ी देर बाद कि वो कोई गोल्ड दी ऑर्नामेंट कोई गहना ला के तो फरार हो जाते। जो मैं टेक ओवर किया तो मैं देखा तकरीबन 11 मुकदमे जोड़े एफ आई आरस ने वो दर्ज सगिया इस तरह के गैंग इस गैंग के खिलाफ लुधियाना स्पेशल मैं टीम CIA वन दी लाई जिन्होंने बड़ी मेहनत ना बड़ा प्रोफेशनल ढंग ना करके पहला इनू गैंग नू आइडेंटिफाई असी किया और ट्रैप ला के इनू असी डेलो एरिए जिहड़ा है वो गिरफ्तार किया गया। ये संबंध के विच मुकदमा नंबर 175 दर्ज किया डेलो दे विच, और ये जिहड़े गिरफ्तार की हैं उहदे च तीन लेडीज़ ने जिन्हां दा नाम है जीतो, ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट दे जलान पिंड दे विच रहण वाले ने, गोगा ये हिम्मतपुरा ना सदर नाभा पटियाला डिस्ट्रिक्ट दी रहण वाली है लेडी, रज्जी जिहड़ी है ये छिंटा वाला सदर नाभा पटियाला डिस्ट्रिक्ट दी रहण वाली, और इन्हां दा ड्राइवर जिहड़ा सुखचैन सिंह सुखू। सो चार मैंबर असी गिरफ्तार किए और इन्हां तो एक स्विफ्ट कार दे विच ट्रैवल कर रहे सी और जाली नंबर प्लेटां ते काफ़ी RCM वगैरह भी इन्हां तो बरामद हुई हैं, क्योंकि वक्ख वक्ख जिलों च जो इन्हां दा मोडस ऑपरेंडी सी कि जिस जिले जाना उस जिले की नंबर प्लेट ला के पुलिस नूं चकमा देंदे सी। और जदों इन्हां दी सारी मजीद तफतीश हुई सारी केस की, ये गल पता लगी कि पंजाब के बहुत सारे होर जिलों के विच भी ये वॉन्टेड ने, कई केसां दे विच PO ने अलग अलग जिलों के, और बहुत सारिया वारदातें जड़िया हैं वो इन्होंने अंजाम दित्तियां। चाहे वो जे डिस्ट्रिक्ट सामने आए ने वो जलंधर देहाती है कमिश्नरेट, अमृतसर अमृतसर देहाती, मोगा खन्ना जगराओं होर भी अलग अलग इलाकों से, अजे असं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं कि किस तरह इन्हों लोगों ने उत्थे भी वारदातों को अंजाम दिता, और मेरे मुताबिक काफ़ी ज़्यादा केस जोड़े पंजाब के इन्हों की गिरफ्तारी ना ट्रेस होने ने, क्योंकि असं सारे डिस्ट्रिक्ट इंटीमेट किया कि जिते जिते थानू रिक्वायर्ड ने गैंग तो सानू इंटीमेट करे। सो मैं इनू काफ़ी वड्डी सफलता मानता और शाबाश दिना अपनी CIA की टीम नू जिन्होंने ये सारी चीज़ नू अंजाम दिता और बड़ी सफलतापूर्वक जी ये ऑपरेशन नू सिरे चढ़ाया। ये जड़े 11 मुकदमे साढ़े लुधियाने के ने, वो मॉलटाउन डुगरी फोकल पॉइंट PAU सराभा नगर डिवीजन नंबर 3 मोती नगर दरेसी डुगरी तो PAU दे अलग अलग थाने दे अलग अलग मुकदमे ने, और ये जी हूँ तक की बरामदगी हुई है तकरीबन 10 लाख के गहने असी बरामद किए जिन्हां च चूड़िया ने कड़े ने चेनी है, और जो इनका बैकग्राउंड असी पता किया जी इन्हों की सरगर्ना है जीतो ये तकरीबन 60 साल की उम्र की है, और ये बलाचौर डिस्ट्रिक्ट नवाशहर के केस के 12/3/2015 की PO है, प्रोक्लेम डिफेंडर है। इस तों इलावा कतवाली नाभे का एक केस है वो भी ये PO है, ये खिलाफ़ 4 होर मुकदमे जोड़े है जिन्हें ये वॉन्टेड है जोड़े सानू अज तक उन्होंने रिकॉर्ड तो मिले ने, बाकी जोड़े केस अनट्रेस ने वो तो मैं दसिया कि बहुत ज़्यादा होर भी हो। इस तरह जी दूसरी दोषण है गोगा, वो तकरीबन 45 साल की, वो खिलाफ़ भी 6 मुकदमे जो वॉन्टेड हैगी है जिन्हें जो पहला फड़ी जा चुकी है, तो वो उस तो बाद कुछ फड़ी है कुछ बेल जंप कर गई है और उस भी वॉन्टेड हैगी है। रज्जी जी है वो खिलाफ़ भी परचा एक पर दर्ज है, और सुखचैन सिंह जो ड्राइवर है इन्हों उन्हें खिलाफ़ भी 3 मुकदमे दर्ज ने पटियाले त्रिपड़ी तो बख्शीवाला थाने। तो ये तो ये गल सामने आती है कि यह गैंग जरा बड़े वक्रे तरीके अपना मोडस ऑपरेंडी जरा अडोप्ट करके सारे पंजाब तरह तरह की वारदात करता रहा, और हूँ ये जड़ा नैक्सट साडा टारगेट है
इन्हां दे कुछ होर इदां दे गैंग भी साडी इन्वेस्टिगेशन च आए ने, उन्हां नूं भी जल्दी तो जल्दी गिरफ़्तार किया जाएगा। तो मैं जिहड़ी टीम है इहनूं सारी नूं शाबाश भी दिंदा और इन्हां नूं वाजब जिहड़ा इनाम दिता जाएगा।